हमाम में, और इसे बोलते हैं हिंदी में स्नानघर। हेलो गाइज, मैं हूँ गुफरान खान। तो गाइज, आज मैं आया हूँ दिल्ली का जो पुराना किला है, पुराना किला जाऊँगा, क्योंकि मैं पुराने किले के बाहर खड़ा हूँ और मुझे लेना है टिकट। टिकट लेकर फिर मैं अंदर इंटर करूँगा। और एक अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर अगर पुराना किला आते हैं तो उसके पड़ोस में जू भी है, तो आप जू भी घूम सकते हैं। गाइज, मैंने अभी मास्क नहीं पहना है, जो कि पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बनाना है ब्लॉग, इसीलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। अगर आप लोग घूमने के लिए आते हैं तो आप लोग मास्क का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको 2000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है दिल्ली गवर्नमेंट को। तो गाइस, चलते हैं हम। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है, जो कि यहाँ से आपको कैश में टिकट नहीं मिलेगा, आपको पेटीएम से टिकट ले सकते हो, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको टिकट लेने के लिए इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा पेटीएम से, और उसके बाद में आप के नंबर पे एक OTP आएगा, वो नंबर आप डालोगे। डालने के बाद में आपको वो ऑनलाइन टिकट मिलेगा, जो कि 20 रुपये का टिकट है, और अगर फ़ौरन कोई बंदा आता है तो उसके लिए 250 और 300 रुपये का टिकट आएगा। बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही देर में ये प्रोसेस काम करता है, और उसके बाद में फाइनली मुझे अब टिकट मिल चुकी है। अब हम जाते हैं, देख रहे हो ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। भैया कुछ चेक करना पड़ा? नहीं, टिकट हो गई। आप टिकट हो गई मेरी, जाते में भी दिखाना पड़ता है। गाइस, फाइनली यहाँ पे जो एंट्री गेट है, यहाँ पे हमको टिकट दिखानी पड़ेगी और अपना जो टिकट का QR कोड है वो स्कैन करना पड़ेगा, फिर शायद हमको एंट्री मिलेगी यहाँ से। आप देख सकते हो, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे पुराना किला की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हो। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे पुराने किले का जो मैप है वो मैप दिया हुआ है, जिसे आप फॉलो करके घूम सकते हो। ये आपको पुराने किले का मैप दिया हुआ है। अब हम किले के अंदर इंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हो गर्मी काफ़ी हो रही है, गर्मी का बहुत ही बुरा हाल है। तो गाइस, यहाँ पे भी इसके अंदर एक मैप दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है एक बड़ा दरवाज़ा, वे टू एग्ज़िट, तलाकी दरवाज़ा, परिखा झील क्षेत्र, पुरातत्वीय संग्रहालय। पुराना किला है ना, बहुत ही पुराना बना हुआ है, जो कि आजकल के टाइम में आपको देखा जाए कि अमूमन सीमेंट और जो भी रेती मोरंग रहती है उससे जुड़ाई होती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो पत्थर को ही पीस कर और
इसमें जुड़ाई की गई है, आप देख सकते हो पत्थर का ही ये पिसा हुआ है, इसमें जुड़ाई की गई है, जो कि यहाँ पे ईंटों का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे बस पत्थर के जो टुकड़े हैं ना उनको तराश कर काट कर और पत्थर की ही पिसाई करके पत्थर से इसे जोड़ा गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही पर्यटक हैं जो घूमने के लिए आते हैं, बहुत से ही लोग घूमने के लिए आते हैं। अब वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको किला ही किला नज़र आएगा, और उसके बाद में इधर किला है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये गार्डन बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, तो यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं बैठ के, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुकून की जगह है। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कपल्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन फैमिलीज थोड़ा कम आती हैं, कपल्स के लिए ज़्यादा फेमस है पुराना किला। बहुत बड़ा है, घूमते घूमते थक जाओगे, इतना बड़ा है कि बता नहीं सकते आपको। और यहाँ पर आपको फैमिली तो देखने को मिलेगी नहीं, फैमिली किला बिल्कुल भी नहीं है, ये बस कपल किला है, और यहाँ पे फैमिली भूल कर भी मतला है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब कपल ही कपल मिलेंगे चारों तरफ। आप अगर नज़र दौड़ाओगे ना तो कपल के अलावा कोई नहीं आपको दिखेगा, सब कपल दिखेंगे कोने में बैठे हुए। ये जो इमारत है इसे, ये है पुराने किले के अंदर, इसे मस्जिद कोहना, ये मस्जिद है एक जिसका नाम है मस्जिद कोहना, इसे 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी मस्जिद है। इसके अंदर बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है, सारी सफ़ों की जगह बनी हुई है और मिंबर भी बना हुआ है, आप उसे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे बहुत बेअदबी होती है। हालांकि ये गवर्नमेंट के दायरे में आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी पवित्र स्थल है चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो उसकी देख रेख करना चाहिए, और इसके लिए यहाँ पे एक नोटिस चस्पा कर देनी चाहिए कि ये मस्जिद है, कृपया करके अगर कोई इसके अंदर आता है तो वो अपने शू और स्लीपर्स हैं वो बाहर उतार के आए। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग आते हैं तो बस ऐसे ही चले आते हैं जैसे पार्क में आए हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे नज़रिए से, क्योंकि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। गाइज़ यहाँ पे ये एक तालाब ऐसा है, तो शायद मेरे ख़्याल से ये इसमें वज़ू का पानी भरा जाता था पुराने टाइम में, और यहाँ पे लोग बैठकर वज़ू करते थे, उसी के लिए जस्ट मस्जिद के सामने तालाब ऐसा बनाया गया है, देख सकते हैं ये आप, बहुत बड़ा तालाब है। गाइज़ ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे जो इमारत है,
इसे बोलते हैं शेर मंडल, जो कि शेर शाह सूरी ने इसे उनमें अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था, जो इसके अंदर बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होते थे। उसके बाद में हुमायूं ने इसे 1556 में अपने पुस्तकालय के रूप में यूज़ किया और उसके बाद में इसी की ही सीढ़ियों से हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो गई। इसे बोलते हैं शेर मंडल और जस्ट इसके अपोजिट साइड में स्नान घर है, जो कि इसे हमाम बोलते हैं। ये जो ईंटों से बना हुआ है, खंडर टाइप आपको दिख रहा है, यह है हमाम। उर्दू में इसे हमाम बोलते हैं और हिंदी में स्नान घर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहाने का काम होता था, इसे हमाम बोलते हैं। ये शेर शाह सूरी ने ही इसमें बनवाया था हमाम को। गाइस यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर आप देख सकते हो। ये हमाम शेर मंडल के जस्ट अपोजिट साइड में बना हुआ है और बहुत ही अलग टेक्निक से बनाया गया था, जो कि गर्मियों में ठंडा पानी और ठंड में गर्म पानी होता था। आप देख सकते हो, अभी हम चलते हैं इस हमाम के अंदर। ये देख सकते हो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये है हमाम। गाइस बहुत यहाँ पे अंधेरा है और आवाज भी गूंज रही है। ये हमाम है। इसके अंदर बहुत अंधेरा है हमाम में, और इसे बोलते हैं हिंदी में स्नान घर। बहुत ही अलग जगह है। गर्मी बहुत है और एक्चुअली सामने से सूरज पड़ रहा है आँखों के ऊपर, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अपने व्यूवर्स के लिए ये प्रॉब्लम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो गाइस इस टाइम पे मैं हूँ पुराना किला का जो दलहन है, जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट अब टूटा हुआ है या वो बना ही नहीं था, इसका तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो इनकम्प्लीट दलहन है, जिसे हम लोग बरामदा बोलते हैं, वो आप देख सकते हो। मैं उसके अंदर हूँ और आप ये देख रहे हो ना, ये इसके पिलर दिए गए हैं। इन पिलर के ऊपर से ही छत पड़ी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अगर कभी भी दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आए और पुराना किला ना देखें तो ये हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है पुराना किला। अगर आप इसको पूरे दिन भी घूमेंगे ना, फिर भी घूम नहीं पाएंगे, इतना बड़ा है। ये गेट ऊपर जाने के लिए है, जो कि इसने अभी इसे लॉक कर दिया गया है। पब्लिक यहाँ पे घूमने के लिए आती है, अगर इसे लॉक ना किया जाए तो वो ऊपर भी जाती है, और ऊपर जाएगी तो हादसा भी हो सकता है। और ये हमारे भाई हैं जो गवर्नमेंट में दायरे में होके भी ही उसे बता रहे हैं कि ये हमारी हवेली है। यह है हुमायूं दरवाज़ा, जो कि इसका श्रेय शेर शाह सूरी ने ही बनवाया है, उनको जाता है। ये हुमायूं दरवाज़ा है। इसके जस्ट ऊपर भी एक दरवाज़ा है, आप देख सकते हो, जो कि ये ज़मीन के तल में खुलता है और एक ऊपर खुलता है। मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये हुमायूं दरवाज़ा है। गाइस मैं अब आ चुका हूँ हुमायूं दरवाजे के नीचे, जो दरवाज़ा है उस दरवाजे में आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी पत्थर की ही जुड़ाई है। आप यहाँ पे आप जो भी देखेंगे वो आपको पत्थर से ही चुनाई और जुड़ाई मिलेगी।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आप देख रहे हैं ईंटों से जुड़ाई है, वो टूट गया था इसीलिए उसे रीमेक किया गया है, और आज के दौर में जो ईंटें चल रही हैं उनसे इसकी जुड़ाई की गई है। आप देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर भी एक दरवाज़ा है, और इस दरवाजे का नाम है हुमायूं दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा है। और ये जो है ना, ये पाताल उस टाइम में बोला जाता था कि ये पाताल में दरवाज़ा खुलता था, तो ऐसा कि पाताल तो बहुत नीचे बता नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये पाताल का दरवाज़ा, और जो ऊपर है वो ऊपर ज़मीन का दरवाज़ा बोला जाता है, तो इसका नाम है हुमायूं दरवाज़ा। और ये रही इसकी सीढ़ियाँ, आप सीढ़ियों से बहुत ही आसानी से आ सकते हैं हुमायूं दरवाजे के अंदर, और आप देख सकते हैं इसको। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर आप व्यूवर्स के लिए रिस्क उठा के की है, जो कि संग्रहालय के अंदर फ़ोटो और वीडियो नॉट अलाउड है, तो मैंने यहाँ के संग्रहालय के वीडियो ख़ास तौर आपके लिए लिए हैं। मूर्ति वगैरह यूज़ करते थे, रखते थे, या शिल्पकारी जो भी थी, आप देख सकते हो। मान रहे हैं एग्ज़िट, अब हमको यहाँ से निकलना है क्योंकि वक्त हो चुका है, 5 बजे बंद हो जाता है, अभी अमूमन 4:30 बज चुका है। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।